हाय फ्रेंड्स, मैं रिशु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रिशुज ब्लॉग्स में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जब बच्चा डिलीवरी के लिए नीचे खिसकता है, मतलब अपनी डिलीवरी की पोजीशन में आता है, नीचे की तरफ आता है, तो आपको कैसा महसूस होता है, आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा अब नीचे की तरफ खिसक चुका है, आपकी डिलीवरी अब कभी भी कुछ ही दिनों में हो सकती है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है या नहीं खिसक रहा है, मतलब बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक लक्षण ध्यान से सुने और अपने ऊपर उनको चेक करें कि मुझे ऐसे सिम्टम हो रहे हैं या नहीं, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपका बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए आई होप हेल्पफुल जरूर रहेगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता ही होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का नीचे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक बच्चा नीचे नहीं आएगा, आपकी पेल्विक बोन में अपना हेड फिक्स नहीं करेगा, तब तक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे जैसे आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है और बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब नीचे की तरफ आता है, तो आपके शरीर में काफ़ी सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, मतलब आपकी बॉडी में काफ़ी सारे सिम्टम नज़र आने लगते हैं जिनको देखकर आप पहचान सकती हैं कि आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ गए हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो आपकी बॉडी में नज़र आएगा वो होगा कि आपको बवासीर की दिक्कत बढ़ जाएगी। हाँ जी, आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है तो आपके पेल्विस एरिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से बवासीर की दिक्कत बढ़ सकती है। बवासीर की दिक्कत होने की वजह से आपको पॉटी पास करते टाइम दर्द बहुत ज़्यादा और ब्लीडिंग भी नज़र आ सकती है। ये लक्षण प्रेगनेंसी में कम से कम 50% लेडीज़ में देखा जाता है जब उनकी डिलीवरी का टाइम करीब आता है। तो अगर ऐसी दिक्कत आपको भी हो रही है, बवासीर की शिकायत हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा नीचे की तरफ आ चुका है, डिलीवरी कभी भी होने वाली है। दूसरा इसका सिम्टम होता है आपकी भूख बढ़ जाएगी। भूख कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपका बेबी नीचे आ जाएगा तो ऊपर की जो जगह है, मतलब आपके फेफड़ों के पास की जो जगह है, वो बच्चा छोड़ देगा और नीचे की तरफ खिसक आएगा। तो आपको क्या होगा कि आपका जो पेट भारी भारी लगता था ना पहले, और सीने में जलन की दिक्कत होती थी, वो अब ख़त्म हो जाएगी, जिस वजह से आपको अब भूख ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा खाने का मन करेगा। आपको जो दिक्कत होती थी पहले सीने में जलन की, गले में जलन की, और ऐसा फील होता था कि पेट भरा भरा हुआ है, वो दिक्कत अब ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए अब आप ज़्यादा डाइट लेने लगेंगे। इसके बाद तीसरा सिम्टम जो आपकी बॉडी में नज़र आएगा वो होगा कि आपको बार बार यूरिन आने लगेगा, बार बार यूरिन आने की समस्या हो जाएगी। वैसे इस प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बार बार यूरिन आने की समस्या बहुत सी लेडीज़ में देखी जाती है, लेकिन जैसे ही आपका बेबी नीचे की तरफ खिसक आता है, अपनी डिलीवरी की पोजीशन बनाने लगता है, तो आपको बहुत कम टाइम में यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। 5 से 10 मिनट में भी आपको यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है, क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है तो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने लगता है, इस वजह से आपको बार बार यूरिन आता है। थोड़ा सा ही यूरिन कलेक्ट हुआ ब्लैडर में और तुरंत आपको प्रेशर बनने लगता है और यूरिन पास करने थोड़े थोड़े टाइम में जाना पड़ सकता है। इसके बाद आपको पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है, रुक रुक कर हो सकता है, और पीठ में भी ये पेन घूम घूम कर जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जिनको फॉल्स लीवर पेन भी बोला जाता है। ये तब होते हैं जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है, डिलीवरी का टाइम बहुत ही नज़दीक होता है, तो कॉन्ट्रेक्शन आने लगते हैं। ये पेन कैसा होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, अपने आप सही हो जाएगा, 3-4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे बाद ये पेन फिर से आएगा, और जब ये पेन आपको 1 घंटे में 4 से 5 बार तक आने लगता है, तो मतलब आपका डिलीवरी का टाइम अब नज़दीक आ गया है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। सो फ्रेंड, बच्चे के नीचे खिसकने के ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप आसानी से पहचान सकती हैं कि अब आपकी डिलीवरी कुछ ही दिनों में होने वाली है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो गई है। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।